फिजिक्स एक्सपर्ट फॉर नीट यू जी मैं इस वीडियो में एक यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी देना चाहती हूँ छः मंथ की स्ट्रैटेजी सारे नीट 2024 ट्वेंटी के लिए जो फिजिक्स की शुरुआत बिल्कुल स्क्रैच से जीरो से एक और बार एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं छः महीने में पूरे सिलेबस को बिल्कुल तसली से कम्प्लीट करना चाहते हैं सच दैट वो वन प्लस से ज्यादा स्कोर कर सके नीट के एग्जाम में ना मैम वेरी श्योर कि uh, कुछ बच्चे यहाँ पर जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने को एक अच्छा स्टूडेंट समझते होंगे कि भाई हम तो होशियार स्टूडेंट हैं कुछ अपने को एवरेज स्टूडेंट समझते होंगे कुछ अपने को नॉट सो गुड स्टूडेंट समझते होंगे है ना इसीलिए मैंने बोला कि एक यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी है की ये स्ट्रेटेजी अगर तुम बिल्कुल फॉलो कर लो सो इट डज नॉट मैटर तुम्हारा पास का एक्सपीरियंस क्या रहा है जो भी स्टूडेंट मुझे जानते हैं जो भी स्टूडेंट से मेरी फोन के ऊपर कन्वर्सेशन होते हैं ना तो वो हमेशा ऐसे शुरुआत करते हैं कि दी एक साल पहले मैं बोलती हूँ ना 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 मुझे नहीं जानना एक साल पहले क्या उसी तरीके से मैं ये वाली स्टार्टेजी भी बना रही हूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज से पहले तुम किस तरीके के स्टूडेंट थे आज से पहले तुम्हें फिजिक्स कितनी आती थी मैं बस बोल रही हूं अगर इस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से फॉलो करोगे 160 प्लस तक जा पाओगे लेकिन फॉलो करना पड़ेगा जानने से कुछ नहीं होगा तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं पहली बार मुझे देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आ, बहुत फ्रीक्वेंटली अब ये नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी के लिए जो वीडियोज़ हैं आनी शुरू होंगी तो उन सारी वीडियोज़ की हेल्प से आ, आप अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा इफिशियंट बना सकते हैं या फिर आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हाँ भाई इस दिशा में नहीं चलना है इस दिशा में चलना है तो मैं इस वीडियो में कई चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ जैसे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं पिछले दस साल के पी वाई क्यू एनालिस के बेसिस के ऊपर उनकी इंपॉर्टेंस क्या है कैसे मैं छः महीने के प्लान को फोर प्लस टू के अंदर डिवाइड करने वाली हूँ कौन कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एक चैप्टर को कम्प्लीट कैसे किया जाता है क्योंकि कई बच्चों से अगर मैं बिकॉज मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करती रहती हूँ तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि दी हमारे ना ये वाले चैप्टर्स कम्पलीट हो गए लेकिन अगर मैं उन चैप्टर्स में से उनसे क्वेश्चन पूछ लू तो से नहीं बनने तो हम लोगों को सिर्फ चैप्टर कंप्लीट नहीं करना है देखो चैप्टर तो दो महीने में भी कंप्लीट हो सकता है सारे चैप्टर्स पूरी नीट के प्रिपरेशन दो महीने में भी हो सकती है लेकिन बात यही है कि उस दो महीने के प्रिपरेशन से नीट क्रैक नहीं होता तो अभी इस स्ट्रैटेजी को मैं इसी बेसिस के ऊपर रखने वाली हूँ कि छह महीने में इस तरीके से फिजिक्स के का पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आए ये ना हो कि तुमने एक चैप्टर कंप्लीट किया और दो हफ्ते के बाद या फिर दो महीने के बाद तुम्हें लग रहा है कि बिल्कुल रफू चक्कर हो चुका है वो दिमाग से इस बेसिस के ऊपर ये स्ट्रेटेजी नहीं होने वाली है मैं बात करूंगी कौन कौन से बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं मैं बात करूंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स को तुम लोग एक साथ कर सकते हो सच दैट तुम अपने प्रिपरेशन में

तो यहां से क्वेश्चन आने की िटी बढ़ जाती है और यहाँ से क्वेश्चन आने की कम हो जाती है अब मैं तुम लोगों को ये नहीं बोल रही हूं कि ये वाले चैप्टर छोड़ देने बिकॉज रूं लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये है। मैं ये बोल रही हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तो इनको प्रियोरिटी रखना तो जब मैं बोल रूं की एक चीज को प्रियोरिटी रखो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी चीज को अबेंडन कर दो बस उसको कम प्रियोरिटी दो तो चैप्टर सारे के सारे करने हैं ये मिसकनसेप्शन मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ बिकॉज इट इज वेरी ऑल्डो इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट समटाइम्स इट इज कन्फ्यूज सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पोर्टेंस आई कैन कैटेगराइज ऑल दी चैप्टर्स इन टू थ्री जोन्स एक तो रेड जोन के चैप्टर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि बड़े चैप्टर्स हैं इनके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं तो बिल्कुल लॉ ऑफ प्रॉबेबिलिटी के बेसिस के ऊपर ही है ना हम लोग ये बोल सकते हैं कि पिछले दस साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हैं वो इन्हीं चैप्टर्स में से पूछे गए गए हैं वो हो हमारे रेड जोन के चैप्टर्स फिर आ जाते हैं हमारे ग्रीन जोन के चैप्टर्स जो कम्पेरेटिवली थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट है और फिर बाद में आ जाते हैं हमारे पास वाइट जोन के चैप्टर जो कम्पेरेटिवली थोड़े से और कम इम्पोर्टेंट है ठीक है तो तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा सबसे ज्यादा किसी चैप्टर को कंप्लीट करने में अगर टाइम लगेगा तो रेड जोन का चैप्टर होगा बिकॉज नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा है है ना तो नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा है तो हर टॉपिक को स्ट्रेंथन करने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने ज्यादा पड़ेंगे है ना तो उसमें टाइम लगेगा तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस लेवल एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कितना टाइम लगेगा इन चैप्टर्स के ऊपर एक्सपर्टीज गेन करने में ये तीन जोन में बना सकती हूँ ठीक है ये जो पी है ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर देने वाली हूँ तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहुंच जाना टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तुम इस पी को डाउनलोड भी कर सकते हो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो तुम्हारी मर्जी है ठीक है तो नाउ दैट वी नो कि भाई हमारे पूरे के पूरे नीट के फिजिक्स सिलेबस में ये चैप्टर्स हैं और इम्पोर्टेंस बेसिस के ऊपर हम लोग इस इसको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मानो हम लोग मैं तुम लोगों को स्ट्रैटेजी दे रही हूं छे मंथ की अब देखो मैं ये छे मंथ की ये स्ट्रैटेजी नहीं दे रही हूं कि मुझे लगता है ये करना सही रहेगा ये छे मंथ की स्ट्रैटेजी के ऊपर है कि पिछले बैचेस में मैंने ये स्ट्रैटेजी दी है ये स्ट्रैटेजीज काम करती है इन स्ट्रेटेजी के बेसिस के ऊपर बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि हमें नहीं लगता था हम फिजिक्स में कभी भी इतना स्कोर कर पाएंगे लेकिन अभी कर पा रहे हैं सो ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी है ठीक है तो हम लोग ये बेसिकली इसको मैं फोर प्लस टू स्ट्रेटेजी बोल सकती हूँ तो सबसे पहले

डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं फिर आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बिकॉज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस देखती हूँ कुछ ए, ए, किसी बुक में गिवन है कुछ किसी बुक में गिवन है कुछ टेस्ट पेपर्स में आते हैं जहां पर क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा होता है लेकिन बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता जस्ट बिकॉज उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करने आती ठीक है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व uh, करने के लिए उसका भी लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब भी तुम्हें टाइम लगे तुम इस पर्टिकुलर टॉपिक को वन एंड फॉर ऑल खत्म कर सकते हो ठीक है उसी

इन चारों चैप्टर्स में ये नहीं इस्तेमाल में आते उसी तरीके से जो चैप्टर नंबर टू है क्लास इलेवें फिजिक्स का उसके अंदर ये नहीं इस्तेमाल में आते जो थर्मल फिजिक्स के तीन चैप्टर्स हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थर्मो और के उसमें ये नहीं इस्तेमाल में आते अगर मैं ऑप्टिक्स की बात करूँ उसमें नहीं इस्तेमाल में आते तो मैं ये तुम लोगों को इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मानो उन्होंने एक चैप्टर लिया ठीक है उन्होंने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया और उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उनको लग रहा है कि उनका दिमाग को बिल्कुल इस तरीके से निचोड़ा जा चुका है ठीक है कि दिमाग के अंदर ना अभी बिल्कुल कोई ताकत नहीं रही है कुछ भी और कैलकुलेशन करने की तो इसीलिए मैं रिकमेंड करती हूँ स्विच मेथड का इस्तेमाल किया करो जैसे कि मानो आपने कानामेटिक्स किया अब काइनामैटिक्स में खूब कैलकुलस का इस्तेमाल होता है खूब वेक्टर्स का इस्तेमाल होता है है ना तो फिर बाद में तुम स्विच कर सकते हो और एक ऐसा चैप्टर कर सकते हो जिसके अंदर इन मैथमेटिकल टूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये स्विच मेथड बहुत अच्छा मेथड है इसकी हेल्प से तुम कभी भी फैटीग फील नहीं करोगे कि यार हमारा दिमाग केपेबल ही नहीं है अभी और कुछ ज्यादा समझने को ठीक है तो ये समझना पड़ेगा ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स आगे और अब अगर मैं बात करूं तो बेसिक स्ट्रैटेजी हमारी यह है कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक सबसे पहले तो बेसिक मैथमेटिकल टूल सारे निपटा देने हैं ठीक है और सारे के सारे रेड जोन के चैप्टर्स निपटा दो देखो चार महीने का टाइम है रेड जोन के चैप्टर्स कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ चैप्टर्स हैं तो इन नौ चैप्टर्स को तुम्हें चार महीने में कंप्लीट करना है तो तुम हर मंथ में दो चैप्टर ऑन एन एवरेज लेके चलूँ तो तुम लोग कर सकते हो है ना ना अभी बात यह है कि क्लास इलेवेंथ के बच्चे भी मुझे देख रहे होंगे क्लास ट्वेल्थ के बच्चे भी और ड्रॉपर भी तो जो क्लास ट्वेल्थ और ड्रॉपर के बच्चे हैं है ना देखो क्लास इलेवंथ के बच्चों को तो छः मंथ की स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप लोग भाग सकते हैं उसी तरीके से अगर मैं क्लास ट्वेल्थ और ड्रॉपर स्टूडेंट्स की बात करूं तो एक तो ऐसा रेड जोन होगा ना जो तुम्हें आता है इन चैप्टर में से ढूंढ लो एक तो ऐसा चैप्टर होगा जो तुम्हें आता है तो तुम उसको क्या कर सकते हो जनवरी से फेब्रुवरी में शिफ्ट कर सकते हो या फिर तुम सेप्टेम्बर से डिसम्बर में ही उसको कम्प्लीट कर सकते हो बस बात यह होगी उसको कम्प्लीट करने में कम टाइम लगेगा है ना तो बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाएगा अभी कभी कभी ना ऐसे सुनने में बहुत ज्यादा लगता है तुम लोगों ने ये चीज़ जरूर नोटिस की होगी कि तुम्हारी टीचर तुम्हें कोई डेरीवेशन करा रही हो और तुम्हें लग रहा है बाप रे टॉपिक कितना डिफिकल्ट है लेकिन जब तुम क्वेश्चन को करोगे ना तो क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं तो सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है लेकिन अगर तुम लोग लाइक प्रोपरली कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो बहुत ईजिली डुएबल है हर साल बच्चे करते हैं और बहुत सारे बच्चे करते हैं और फिर बहुत अच्छा स्कोर भी करके जाते हैं ठीक है तो सितंबर से लेकर दिसंबर में रेड जोन तो सारे के सारे कंप्लीट करने हैं ये जो ग्रीन जोन के चैप्टर्स हैं इसमें से एटलीस्ट पांच से छह तो कर लेना और जो व्हाइट जोन है उनमें से चार कर लेना तो ये मैंने व्हाइट जोन के को चार इसीलिए इंक्लूड किया ताकि इस तरीके से स्विच मेथड के साथ काम कर सको अगर मानो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दूँ तो मैं कर लूंगी सबसे पहले वर्क एनर्जी एंड थेरम मैंने कर लिया ठीक है उसके बाद मैंने वेव्स uh, कर लिया ठीक है ठीक है वेव्स कर लिया उसके बाद मैंने के कर लिया उसके बाद मैंने काइनोमैटिक्स कर लिया उसके बाद मैंने थर्मोडाइनोमिक्स कर लिया उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कर लिया तो इस तरीके से स्विच करते हुए करना है तुम्हें एक ही साथ दो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं करनी है ठीक है तुम्हें मेहनत को डिस्ट्रीब्यूट करना है तुम्हें ये नहीं करना है कि सितंबर और अक्टूबर तुम्हारा बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था लेकिन नवंबर और दिसंबर उतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं था ठीक है तो मेहनत को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है रेड जोन को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है ग्रीन जोन को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है वाइट जोन को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है ठीक है तो ऑल टुगेदर ये उन्नीस से बीस चैप्टर्स हो जाएंगे जो तुम्हें चार मंथ में कंप्लीट करना है आई प्रोमिस यू बहुत आसानी से हो जाएंगे कैसे चैप्टर को कंप्लीट करना होता है वो मैं आगे डिस्कस करूंगी अभी हम लोग बेसिक प्लान के बारे में बात कर रहे हैं अब अगर मानू मैं जनवरी से फेब्रुवरी तक की बात करूं तो जितने भी तुम्हारे व्हाइट जोन और ग्रीन जोन के चैप्टर्स रह गए वो तुम्हें निपटा देने हैं और अब मैं तुम्हें ये बोलूँ अब यहाँ पर ना तुम्हारे पास काफी टाइम रह जाएगा क्यों काफी टाइम रह जाएगा नंबर वन कम चैप्टर्स हैं तुम्हारे पास कंप्लीट करने को नंबर टू जो चैप्टर्स भी तुम्हारे पास कंप्लीट करने को है वो जनरली ग्रीन जोन और व्हाइट जोन के हैं तो उनके अंदर तो नंबर ऑफ टॉपिक्स ही बहुत कम है तो उनको कंप्लीट करने में तुम लोगों को ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा तो इन दोनों रीजन की वजह से जनवरी और फेब्रुवरी में तुम्हारे पास काफी फ्री टाइम रह जाएगा जो तुम लोगों को सेप्टेम्बर और दिसंबर में इतना नहीं फील हो रहा था तो अभी ये जो फ्री टाइम रह रहा है इसमें दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाना है इस फ्री टाइम को यूटिलाइज करना है सारे के सारे रेड जोन के चैप्टर जो तुमने सितंबर और दिसंबर में किए थे उनको रिवाइज करने के लिए और उनके ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इजीली डूएबल है और ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल इस बेसिस के ऊपर दी जा रही है कि तुम्हारे पास दो और सब्जेक्ट्स हैं एक है बायोलॉजी और एक है केमिस्ट्री उस बेसिस के ऊपर ही स्ट्रैटेजी बनाई है मैंने ठीक है तो मुझे तुम लोगों का ना यार एक ओथ चाहिए कि तुम लोग स्ट्रैटेजी वीडियोस तो काफी देख लेते हो कुछ बच्चे तो रिलेट कर ही पाएंगे सारे के सारे नहीं तो कि स्ट्रैटेजी वीडियोस तो देख लेते हो ये तो जान लेते हो कि किस तरीके से नीट फोड़ना है लेकिन वो जानने के बाद ना वो हो नहीं पाता है तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ अगर इससे भी ज्यादा देर हो गई ना तो मैं तो दो महीने के बाद फोर मंथ स्ट्रैटेजी भी बना दूंगी लेकिन मैं बोल रही हूँ कि जब तुम आज छह मंथ की स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एक्चुअल में तसली से पढ़ सकते हो और नीट को क्रैक कर सकते हो तो दो महीने का टाइम वेस्ट करके अपने प्रिपरेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम अब दो महीने अपनी प्रिपरेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे तुम्हें एक साल देना पड़ेगा इसके बारे में बस सोचना कि क्या ये दो महीने वेस्ट करने वर्थ इट है कि तुम्हें एक साल अपना प्रिपरेशन का और देना पड़े सो so, तुम लोगों का एक मुझे प्रॉमिस चाहिए हैश टैग नो मैटर वॉट इन कमेंट सेक्शन कि अब की बार तुम्हें स्ट्रैटेजी को डेफिनेटली फॉलो करोगे तो देखो अभी ये जो मैंने तुम्हें चैप्टर्स बताए हैं अब इनमें से कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो ऑब्वियस बात है तुम्हें पता लग रहा होगा कि इनमें से ज्यादातर चैप्टर्स जो हैं वो रेड जोन के चैप्टर्स हैं ये मैं तुम लोगों को इसीलिए बता रही हूँ ताकि तुम लोग स्विच मेथड से अच्छे से काम कर सको कि मानो तुमने रोटेशन मकैनिक्स का बिल्कुल बड़ा चैप्टर ले लिया उसके बाद कोई छोटू सा चैप्टर ले लो जैसे के ले लो के को कम्प्लीट करने में दो तीन दिन लगेंगे इतना छोटा चैप्टर है वो ठीक है फिर बाद में क्या कर लो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी ले लो फिर स्विच करके कोई और छोटा सा चैप्टर ले लो जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन ले लिया या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ले लिया या फिर अल्टरनेटिंग uh, करंट ले लिया या फिर क्लास इलेवंथ का कोई छोटा सा चैप्टर ले लिया यूनिट्स एंड डिवेंशन ले लिया तो तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जिन चैप्टर्स में तुम्हें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा ना मैं ये पहले इसीलिए बोल रही हूं ताकि तब तुम ना घबराओ कि यार रोटेशन मैकेनिक्स पिछले छह दिन से चल रहा है अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो ऐसा करते वन शॉट से कर लेते हैं

अब मैं जरा सा बात कर लेते हूँ कि किस तरीके से फिजिक्स के चैप्टर को कंप्लीट किया जाते हैं जैसे कि अभी तक मैंने तुम लोगों को बताया कि यार चैप्टर की वेटेज क्या है है ना कौन कौन से आ, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है फोर प्लस टू की स्ट्रैटेजी क्या है फिर हम लोगों ने बात की कौन से चैप्टर ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ताकि स्विच मेथड से तुम लोग काम कर सको अब मैं एक बार इसके ऊपर बात कर लेती हूँ कि कैसे फिजिक्स के चैप्टर को कंप्लीट किया जाता है दैट वेन आई टेल यू कि रोटेशन मकैनिक्स को कंप्लीट करूँ तो क्या करना है रोटेशन मकैनिक्स को कंप्लीट करने के लिए उसके बारे में बात कर लेते हो फिर अल्टीमेटली मैं बात करूंगी कि कौन से चैप्टर्स को तुम साइमल्टेनियसली कर सकते हो कुछ ऑर्डर है वो मैं ऑर्डर तुम्हें बता दूंगी तो तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा तुम्हारी जो प्रिपरेशन की ये जो स्ट्रेटेजी हम लोग बना रहे हैं वो थोड़ी सी और हो जाएगी तो देखो फिजिक्स की चैप्टर को किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है ना हमेशा डिटेल लेक्चर्स लगाओ अभी दो तरीके के चैप्टर्स होंगे ना अगर मैं पूरे के पूरे फिजिक्स सिलेबस को तुम्हारे पर्सपेक्टिव से डिवाइड करूं तो दो तरीके के चैप्टर्स हैं एक वो चैप्टर है जो तुमने या तो पहले कभी नहीं पढ़े हुए हैं या फिर जब अगर तुमने पढ़े भी हुए हैं ना तो तुम्हें ना समान आते हैं और दूसरे वो चैप्टर्स है तो जो तुम्हें आते हैं ठीक है या तो ठीक ठीक आते हैं या फिर अच्छी तरीके से आते हैं तो जो तुम्हें ठीक ठीक आते हैं या फिर अच्छी तरीके से आते हैं या तो तुम्हारे पास उनके ऑलरेडी क्लास नोट्स होंगे अगर क्लास नोट्स नहीं है तो कोई वन शॉट लेक्चर देके अगर मानो तुम यू नो कोचिंग वगैरह नहीं ले रहे हो अगर कोचिंग ले रहे हो वेल एंड गुड फिर तो वन शॉट लेक्चर क्यों ही लगाना है है ना लेकिन तुम्हें ये समझना पड़ेगा अगर कोई चीज तुम्हें आती है तो उसको एक्सेप्ट करो कभी कभी बच्चे में ये 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 होता है है कि यार ये वाला चैप्टर आता तो है, लेकिन ये ना हो ना कि मुझे सिर्फ लग रहा हो मुझे मुझे आता है लेकिन क्या मुझे नहीं आता हो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बच्चा दस में से आठ क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है तो अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम लोग दस में से आठ चैप्टर्स को सॉल्व कर पा रहे हो दस क्वेश्चन में से आठ क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो तो मान के चलो तुम्हें वो चैप्टर आता है और अगर तुम्हें वो चैप्टर आता है तो उसके ऊपर फिर तुम्हें आठ घंटे की क्लास लगाने की जरूरत नहीं है दोबारा से ठीक है उसके ऊपर सिंगल शॉट्स लेक्चर लगाओ देख लो कि कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो तुमने मिस किया है आराम से क्लास नोट्स बनाओ अब तुम लोगों को क्या करना है और जो चैप्टर्स तुम्हें नहीं आते हैं उनके लिए तुम्हें डिटेल लेक्चर्स देखने हैं. तो अगर मैं अपने ही चैनल के ऊपर बात करूं तो ऑप्टिक्स के डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल हैं थर्मल फिजिक्स के डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल हैं मॉडर्न फिजिक्स के डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर मैंने एनसीआरटी को भी कवर किया हुआ है और पीवाई की उसको भी कवर किया हुआ है ठीक है तीनों प्ले का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया तुम लोग चेक कर सकते हो सो आई एम होपिंग वन थिंग इज क्लियर अगर कोई चैप्टर अच्छे से नहीं आता है या फिर बिल्कुल नहीं आता है डिटेल लेक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे और अगर मानो कोई चैप्टर आता है अच्छे से ठीक है बस उसके अंदर थोड़ी सी और क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है तो फिर बाद में कवरेज वाली क्लासेस में ज्यादा टाइम देने का को कोई तुक नहीं है ठीक है तो वहां पर वन शॉट का लेक्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हो तो फ्रॉम आइदर वन वे और टू वे नाउ यू हैव वेरी गुड क्लास नोट्स ठीक है अब तुम्हारे क्लास नोट्स बन गए अब एक बार तुम्हें तुम्हारे क्लास नोट्स बन गए अब तुम्हें एटलीस्ट दस से बीस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हर टॉपिक के ऊपर देखो सारे फिजिक्स टीचर्स को आ, का पढ़ाने का तरीका अलग अलग है अगर मैं अपने पढ़ाने के तरीके की बात करूं तो जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं वो तो मैं बता पाएंगे कि मैं चैप्टर को टॉपिक्स में हमेशा डिवाइड करके पढ़ाती हूं कि मैं इस तरीके से फर्स्ट टॉपिक लिखवाती हूं फिर उसके अंदर सब कंसेप्ट लिखाऊंगी फिर सेकेंड टॉपिक लिखाऊंगी फिर उसके अंदर सब कंसेप्ट लिखाऊंगी तो जो मेरे स्टूडेंट्स के नोट्स हैं ना वो टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में ऑलरेडी बटे हुए हैं तो मैं बोल रही हूँ कि हर एक टॉपिक के ऊपर एटलीस्ट दस से बीस क्वेश्चन करो ठीक है वो दस से तीस भी हो सकता है क्योंकि देखो अगर मानो मैं एक टॉपिक ले लेती हूँ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग तो उसके अंदर तो अगर तुम तो मानो दस क्वेश्चन भी कर लोगे तुम्हें तो तब भी समझ आ जाएगा लेकिन मानो अगर मैं एक टॉपिक की बात करूँ टॉर्क और किस तरीके से वो एंगुलर किस तरीके से वो एंगुलर एक्सेलरेशन लेके आता है तो क्या पता दस क्वेश्चन में तुम्हें बिल्कुल भी ना समझ आए क्या पता तुम लोगों को एटलीस्ट थर्टी क्वेश्चंस लगे उसको समझने को तो मैं मैंने तुम लोगों को एक बहुत ही जेनरिक रेंज दी है बहुत ही हाइपोथेटिकल रेंज दी है अपने आप से पूछो अगर मानो एक टॉपिक के ऊपर तुमने कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लिए और तुम्हें लग रहा है कि आ अब पता लगा कि ये जो चीजें हम लोगों ने नोट्स में लिखी थी अब हमें पता लग रहा है कि कहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ती है तो जब तुम्हें वो कॉन्फिडेंस आ जाए तो मतलब तुमने वो कर लिया है क्योंकि देखो हम लोगों को प्रिटेंड नहीं करना है कि ये जो स्ट्रेटेजी है इसके इसके अंदर मार्च और अप्रैल भी इंक्लूडेड है क्योंकि वो नहीं है तो ऑब्वियसली बात है मार्च और अप्रैल के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिविजन ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाला है लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस मेथड से जो स्ट्रेटजी मैं तुम्हें दे रही हूँ इसके साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो क्योंकि अगर तुमने इसको मॉडिफाई कर दिया तो तुमने मेरी स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो की तो हर एक चैप्टर को इस तरीके से निपटाना है कि रिवीजन प्रोसेस हमारे लिए इजी हो जाए है ना और उसी तरीके से अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूं तो देखो आ, लास्ट के जो पंद्रह साल के पीवाई उस है वो डेफिनेटली सॉल्व करो ठीक है वो पक्का सॉल्व करो और जो रेड जोन के चैप्टर्स हैं और ग्रीन जोन के चैप्टर्स हैं जब तुम उनको रिवाइज करो ना बीच में जैसे कि मानो अगर मैं ये वाले टाइम फ्रेम की बात करूं जनवरी से फेब्रुवरी तक तो मैंने तुम लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी बफर दिया है कि तुम्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है रेड जोन के चैप्टर्स की तो मैं बोल रही हूँ वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं जो पंद्रह साल से ज्यादा पुराने हैं समझे पीवाई क्यूज तो तुम्हें हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद करने ही करने हैं मैं बोलू एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो पीवाई क्यूज का इस्तेमाल हो सकता है जो पंद्रह साल से भी ज्यादा पुराने हैं ठीक है ये स्ट्रेटेजी रखनी है इस हिसाब से सारे के सारे चैप्टर्स करने हैं डिफिकल्टी लेवल स्विच करते हुए करने हैं कितने मैथमेटिकल टूल्स उनमें लग रहे हैं उसको स्विच करते हुए करना है ठीक है अब फाइनली मैं बात करना चाहूंगी उन चैप्टर्स की जिनको मैं चाहूंगी कि तुम लोग एक साथ ही सॉल्व करो ताकि तुम्हारी जो प्रिपरेशन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंसी आए तो वेव्स और वेव ऑप्टिक्स को हमेशा साथ में करो अगर मानो तुम वेव्स को अकेले कर रहे हो और फिर उसके कुछ महीनों के बाद वेव ऑप्टिक्स को कर रहे हो तो मानो अगर इसको जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर यहाँ पर छः घंटे और यहाँ पर छे घंटे लग रहे हैं ना मैं बोलूँ अगर तुम इनको ऑल टुगेदर करोगे ना तो अगर इसमें छः घंटे लग रहे हैं इसमें सिर्फ तीन घंटे लगेंगे प्रॉमिस ठीक है तो के के बाद वेव वेव के बाद करोगे नहीं करना 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 है फिर वेव करना है 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 पहले फिर ठीक ये ये भी ग्रीन जोन का है, ये भी ग्रीन जोन का का दोनों एक साथ निपटा सकते हो ठीक है इसके अंदर बेसिक मैथमेटिकल टूल जो इस्तेमाल हो रहा है वो है सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री एंड स्टफ सिर्फ उतना आएगा ठीक है फिर बाद में आ जाते है वर्क एनर्जी पावर रेड जोन का चैप्टर है तो पहले वर्क एनर्जी पावर करो क्योंकि वर्क एनर्जी पावर के अंदर जो वर्क एनर्जी थ्योरम है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड फलाना ढमकाना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड ये तो पहले वर्क एनर्जी एंड पावर निपटाओ इसके अंदर वर्क एनर्जी थेरम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन सब के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करो इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निपटाओ और फिर बाद में ग्रेविटेशन करो तो ग्रेविटेशन तुम तुमसे ना बिल्कुल इस तरीके से चुटकी में हो जाएगा ऑल ग्रेविटेशन एक रेड जोन चैप्टर है इसमें ज्यादा टाइम लगना चाहिए लेकिन तुम लोगों ने अभी तुरंत वर्क एनर्जी पावर किया है तो ग्रेविटेशन का जो वन थर्ड ऑफ द लास्ट पोर्शन है वो तुम्हें बहुत आसानी से समझ आएगा क्योंकि उसके अंदर फॉर्मूला uh, है फॉर्मूला को याद रखना कोई बड़ी बात नहीं होती ठीक है लेकिन वो फॉर्मूला कैसे लग रहा है दैट दी एंटायर थिंग इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थेम तो इसीलिए ये यहाँ से आ जाएगा फिर बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट आता है और वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है आ, हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स के कंसेप्ट से तो मतलब तुम्हें ये लगेगा कि यार ये ग्रेविटेशन चैप्टर जो है ना बेसिकली इन दोनों का बेबी है तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा उसी तरीके से रोटेशन मकैनिक्स के बाद मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म करो द रीजन बिंग कि रोटेशन मकैनिक्स से पहले जितने भी क्लास इलेवेंथ में चैप्टर्स है ना कहीं पे भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता और क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों को डिफिकल्ट लगता है अगर तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर भी क्लास चाहिए तो उसका भी उस वीडियो का भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है क्रॉस प्रोडक्ट को तुम डिटेल लेक्चर्स की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हो ठीक है तो मैं ये बोल रही हूँ कि क्लास इलेवंथ में रोटेशन मकैनिक्स से पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है रोटेशन मकैनिक्स से पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट करते फिर रोटेशनल मकानिक्स की स्टार्टिंग करते हैं सो बिकॉज so अभी तुमने ये क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया है उसको रोटेशनल में अप्लाई कर लिया है, एंगुलर मोमेंटम के सिनारियों में टॉर्क के सिनारियों में तो अभी तुम्हें फिर भी अच्छा खासा टॉर्क आता है उसके बाद अगर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म करोगे ना तो लॉरेंस फोर्स की बात करूं या फिर मैं जो फोर्स लगता है करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैं उसकी डायरेक्शन की बात करूं तो वो सारी डायरेक्शंस वगैरह इन सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत आती है डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में लॉरेंस फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर तो बिकॉज वो टॉर्क वाला कंसप्ट अभी तुम लोगों ने ताजा ताजा पढ़ा होगा ना तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को कंप्लीट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और एक और चीज ये कि जैसे ही तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री को कंप्लीट करते हो देखो वेव्स को कंप्लीट करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री चाहिए कि मैं तुम्हें बता रही हूँ सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट करो ट्रिगोनोमेट्री के बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट करो एक बार सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट हो जाता है ना फिर तुम ये वाले रास्ते भी चल सकते हो और तुम ये वाले रास्ते भी चल सकते हो लेकिन ये हमेशा पहले करना है ट्रिगोनोमेट्री और सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले ना वेव्स करना है जिसके बिना वेव ऑप्टिक्स नहीं आएगी और ना ही अल्टरनेटिंग करंट करना, करना है सो पहले ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से सीखो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन तक जाओ सिंपल हार्मोनिक मोशन में अच्छे क्वेश्चन सोल्व करो जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है डिफिकल्ट एक्स्ट्रा डिफिकल्ट क्वेश्चन सोल्व करो ताकि थोड़ा सा बेसिस पता लगे कि यार इस इक्वेशन का मतलब क्या है क्योंकि उस इक्वेशन के मतलब कि बेसिस के ऊपर ही तुम्हारे वेव्स वेव ऑप्टिक्स और अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर बेस्ड है ठीक है तो पहले टेगोनोमेट्री कर लिया फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर लिया ठीक है उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट कर लो ठीक है फिर बाद में वेव्स कर लो और फिर वेव ऑप्टिक्स कर लो ठीक है तो अगर तुम इस हिसाब से चलोगे तो काफी एफिशियंट हो जाएगी यार तुम्हारी प्रिपरेशन बट मुझे तुम लोगों का ना ओथ जरूर चाहिए ये सिक्स मंथ की स्ट्रैटेजी इतनी रियलिस्टिक है इतनी प्लेन दाल चावल है कि अगर तुम कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करोगे तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था डज नॉट मैटर अभी तक तुम्हारा फिजिक्स में क्या परफॉर्मेंस थी यहां से अच्छी हो जाएगी आई एम होपिंग आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों और नीट एस्पायरेंट्स में ये वीडियो को फैलाना ताकि तुम्हारे जो दोस्त वगैरह उनकी भी हेल्प हो जाए चैनल को सब्सक्राइब रखो ताकि मैं तुम्हारी इसी तरीके से और वीडियोज की हेल्प से हेल्प कर सको That is all, everyone. Thank you so much. Good night. Adivs.